हेलो फ्रेंड, सुबह सुबह आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। सुबह का 10 बज रहा है और ठंडी का प्रकोप देखिए, कुछ नहीं दिख रहा है। विजिबिलिटी एकदम नहीं के बराबर है। आज सुबह का 10 बज रहा है ये। अब मुझे दिखिएगा तो मैं पूरा पैक हूँ, एकदम जैकेट, टोपी, ग्लव्स। अभी मैं आ रहा हूँ एक जगह से अपना काम करके। देखिए मेरी क्या सिचुएशन है, पूरा एकदम ग्लव्स सभी से पैक हूँ। और 3 दिन से ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले तक कुहासा रहता था, कोहरा ये छाया रहता था, बट ठंडी नहीं होती थी। अब कपड़ों के अंदर भी ठंडी का पता चल रहा है। और इधर देखिए क्या नज़ारा है सारा। एक बार और मैंने बहुत पहले ब्लॉग किया था, कम से कम एक हफ्ते पहले, ठंडी पे ही। और इसी में हम लोगों का गेहूँ के पानी भरने का काम हो रहा है। इधर पूरे गेहूँ में पानी लगा हुआ है, चल रहा है। रात को पानी भरा जाता है इस ठंडी में, तो फार्मिंग का काम इतना आसान नहीं। और देखिए हमारा सरसों इतना हो गया है। देखिए आगे हमारे करते दरता पानी देखने के लिए। बर्फ वाली ठंडी है, ठंडी बर्फ वाली शुरू हो गई। देखिए सब गेहूँ में पानी डाल भरा गया है। सुबह सुबह यही काम है। रात को भी पानी चल रहा था, बंद करना था, बट नींद आ गई, पूरा खेत भर गया। देखिए सरसों को दिखाया था तो उसमें छोटा था, अब देखिए बहुत सही हो गया सरसों। इसको फर्टिलाइजर दिया गया था, फिर सरसों चलना शुरू कर हो गया। तो इसमें गेहूँ हुआ नहीं, तो इसको अब क्या करेंगे, उड़द की खेती होगी इसमें। इधर देखिए पूरा कुहासा ही कुहासा, सामने कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए पूरा ये खेत ओवरफ्लो हो रहा है। कल क्या हुआ था कि 10 बजे बंद करना था ट्यूबवेल को, लेकिन मैं सो गया, रात भर पानी चला। तो हो जाता कभी कभी, ऐसा नहीं था, दिमाग से उतर गया कि बंद करना है। और देखिए ये सरसों एकदम एक नंबर का चल रहा है एकदम। शहर के लोग इसी सरसों के खेत को मिस करते हैं, यहाँ हम लोग रोज खेत इसी में जीते हैं, इसी को रोज देखते हैं। देखिए जोखू भाई साहब लगे हुए सुबह 4 बजे से पानी भरने के काम में। इधर से पानी निकालल जाता तो निकल जाए इतने से पहले अपना। हाँ तो देखिए खेत से पानी निकाला जा रहा है। यहाँ देखिए ये रिटर्न आ रहा है, यहाँ से भरा जाता तो ये ना, और दोपहर भर में हो जाए। वही सो गए तो ओवर हो गया, गेहूँ को ज़्यादा पानी चाहिए नहीं, तो इसको पानी को निकाला जा रहा है। नाली में ही जाएगा धीरे धीरे, तो ख़त्म हो जाएगा। देखिए ये धीरे धीरे वापस खेत से वापस आ रहा है पानी। देखो भाई साहब देखिए गए उधर, कुछ नहीं दिख रहा है, पता भी नहीं चल रहा कहाँ गए वो। ठंडी बहुत कड़ाके की चल रही है, 10 हो रहा है, मैं तो वापस आ गया। अभी जाना है, फिर सुबह 7 बजे निकलना होता है। तो आज की ठंडी देख के हुआ कि सुबह का बंद कर दिया जाए कुछ दिन के लिए, कुछ नहीं किया जा सकता, इतनी ठंडी है। तो ऐसे ही कितना भी ठंडी पड़े काम तो करना ही है, तो काम कर रहे हैं। और अपना देख सकते हैं कि मैं पूरा पैक हूँ एकदम, ग्लव्स व्लव्स सब पहन के सारा कुछ पूरा मैं पैक हूँ एकदम, जैकेट जूता सब, कहीं से भी हवा ना लगे तब भी ठंडी पता चल रही है, इतनी भयानक ठंडी है। और ये देखिए गेहूँ का पौधा इतना बड़ा हो गया सब, और देखिए एक नंबर। तो यही है खेती, फिर उसके बाद का काम तो
उसको भी दिखाएंगे समय आए तो। फिलहाल इतना के लिए कुछ भी नहीं दिखा रहा। देखिए रोड गाड़ी आ रही है बट कुछ नहीं पता चल रहा है। देखिए यह पता चला गाड़ी आ रही है और टाइम 10 बज रहा है सुबह का। चलिए फ्रेंड ब्लॉग को अंत करते हैं, फिर अगले ब्लॉग में कुछ बताया जाएगा अभी क्या चल रहा है, स्थिति क्या है। देखिए हमारे घर के सामने सीधे ट्रांसफार्मर है, ये साइड से 11,000 का लाइट गया है। कोई कोई डेंजर हो जाता है, इसको हटाना है बट क्या करें, बहुत टफ है हटाना। देखिए कितना नीचे हमारे खेत से, खेत से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ये खतरा है। देखिए सुबह सुबह स्कूल के बच्चे आ गए हैं, वहाँ बच्चे खड़े हैं स्कूल के, ये स्कूल है। चलिए ब्लॉग का अंत करते हैं, फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे। अभी के लिए बाय।